हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो है हमारा टाटा टियागो और महिंद्रा XUV 100 NXT के बीच। ये कंपैरिजन वीडियो है, फिर से एक धमाकेदार टक्कर है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनके बॉडी डायमेंशंस की कंपैरिजन, उसके बाद इंजन की कंपैरिजन, उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड, उसके बाद इंफोटेनमेंट, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा यूज़फुल फीचर्स, और फिर हम बात करेंगे क्या है ऐसा स्पेशल जो एक कार के पास है और दूसरी के पास नहीं है। और लास्ट में आएगा इनका डिसीजन मेकिंग पॉइंट, वो है इनका प्राइस। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करें फिर। कंपैरिजन के लिए दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट को चुना गया है, जहां KUV 100 नेक्स्ट का K8 वर्जन है, पेट्रोल और डीजल में 5 और 6 सीटर ऑप्शन के साथ आता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमने चुना है टियागो का XZ वर्जन, जो पेट्रोल और डीजल में आता है और पेट्रोल AMT में भी आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेंथ की। तो यहाँ पे KUV 100 हमें 3700 mm के साथ मिलती है और टियागो XZ 46 mm ज़्यादा है, 4.5 सेंटीमीटर करीब ज़्यादा है KUV 100 नेक्स्ट से। विड्थ वाइज और हाइट वाइज अगर बात करें तो विड्थ और हाइट में KUV 100 टियागो से ऊपर जाती है, इससे बाजी मार लेती है। KUV 100 की विड्थ है मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बराबर, वो है 1735 mm, और हाइट है 1655 mm, जो कि हर हाल में टियागो से ज़्यादा है। तो आपको बैक सीट पे 3 लोगों को बैठने के लिए आसानी से जगह मिलने वाली है। और अगर आप KUV 100 सिक्स सीटर चुनते हैं तो आप फ्रंट सीट पे भी किसी पतले पर्सन को या एक 12-15 साल के बच्चे को साथ बिठा सकते हैं ईजिली। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है। बूट स्पेस भी लगभग दोनों ही गाड़ियों में बराबर है, सिर्फ 1 लीटर का फ़र्क है। KUV के पास 243 लीटर है और टियागो के पास 242 लीटर्स है। दोनों ही गाड़ियों की बैक सीट फ्लिप हो जाती है, तो आप बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में। व्हील बेस की बात करें तो टियागो के पास व्हील बेस ज़्यादा है, टियागो के पास लेंथ भी ज़्यादा है। तो इस केस में ऑन रोड स्टेबिलिटी हमें टियागो में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि KUV में व्हील बेस कम है और लेंथ भी कम है, इसमें थोड़ी सी कम मिल सकती है। यानी कि बैड रोड्स पे थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा उछल कूद दिखाएगी बजाय कि टियागो के। अगर हम टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे KUV के टॉप वेरिएंट में R15 मिलते हैं, 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और यहीं पे हमें टियागो में टॉप वेरिएंट में 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो इस कंपैरिजन के एंड में डायमेंशन बेस पे टियागो लेंथ ही है, बट KUV ज़्यादा चौड़ी है और ऊंची भी है और SUV लुक भी देती है। तो जिनको एक स्लीक सेक्सी लुक चाहिए वो टियागो की तरफ जा सकते हैं, स्पोर्टी सेक्सी लुक है। बट जिनको कंप्लीट SUV टाइप की लुक चाहिए, थोड़ी सी हार्ड रॉक टाइप की लुक चाहिए, तो वो KUV 100 नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं इसके बाद इसके इंजन परफॉर्मेंस पे। इंजन दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर है, और अगर डीजल की बात करें तो वहाँ पे KUV के पास 1.2 लीटर ही है, लेकिन टियागो के पास 1.05 लीटर है। पेट्रोल कार की अगर आप लोग इच्छा रखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। लेकिन अगर आप लोग डीजल कार की ही इच्छा रखते हैं तो टियागो और टिगोर मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं डीजल के केस में। तो अगर आप लोगों की पसंद डीजल कार है तो आप बाकी का वीडियो चाहे ना देखें, यहीं पर छोड़ सकते हैं लाइक या डिसलाइक करके, कमेंट जरूर कीजिएगा। डीजल कार के केस में यहाँ पर KUV 100 नेक्स्ट K8 ही विनर है और यही आप लोगों को लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इंजन की। तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल हमारे पास महिंद्रा में 3 सिलेंडर एम फाल्कन G80 आता है 1.2 लीटर पेट्रोल में, और एम फाल्कन D75 टर्बो चार्जर विद इंटरकूलर आता है डीजल में 1.2 लीटर में। पावर की बात करें तो यहाँ पे 82.9 PS की पावर हमें मिलती है पेट्रोल इंजन में एम फाल्कन KUV 100 नेक्स्ट में, और 85 PS की पावर मिलती है हमें टियागो XZ में। तो पावर का बहुत थोड़ा सा फर्क है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे डीजल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पे टियागो डीजल हमें 140 Nm का टॉर्क देती है, वहीं पे KUV हमें 190 Nm का टॉर्क देती है, जो कि फिर से स्विफ्ट के 4 सिलेंडर इंजन के बराबर है। फ्यूल टैंक दोनों का ही 35 लीटर फ्यूल अकोमोडेट कर सकता है। कर्ब वेट की अगर बात करें तो मेरे पास टियागो के ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो कि पेट्रोल में 1024 kg है टॉप वेरिएंट और डीजल में 1080 kg है टॉप वेरिएंट। लेकिन कर्ब वेट की बात अगर हम करते हैं KUV 100 नेक्स्ट की, तो मेरे पास कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। कुछ जगह पे 1080 किलोग्राम बताया गया है, कई जगह पे 1120 और 24 किलोग्राम बताया गया है। तो टर्निंग रेडियस की बात करें, जहाँ के KUV लंबाई में
कम है टियागो से, फिर भी इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है टियागो से, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इन द सिटी ड्राइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट फिर भी लंबाई कम होने के कारण इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। ट्रांसमिशन की बात करें तो KUV100 नेक्स्ट हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल में, और वहीं पर टियागो में 5-स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन हमारे पास AMT का भी ऑप्शन अवेलेबल है पेट्रोल में, डीजल सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। फ्यूल इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें KUV100 नेक्स्ट में पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है 18.15 KMPL की, और डीजल वेरिएंट में मिलती है 25.32 KMPL की। टियागो XZ में वहीं पे हमें फ्यूल इकोनॉमी इससे ज़्यादा ऑफर कर रही है कंपनी, वो है 23.84 KMPL की, 23.84 की, और यहीं पर डीजल में प्रोवाइड की जाती है 27.28 KMPL की। तो टियागो की फ्यूल इकोनॉमी ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, KUV की मैंने टेस्ट नहीं करी है। टियागो अपने सर्टिफाइड फिगर्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक प्रोवाइड करती है अगर आप ढंग से चलाते हैं तो। KUV भी आपको वैसे ही प्रोवाइड करेगी डीजल के केस में, लेकिन पेट्रोल के केस में मैं श्योर नहीं हूँ। तो चलते हैं अब इसके तीसरे लेवल पे सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेफ्टी फीचर्स जो ज़रूरी हैं वो दोनों ही गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड कर रही हैं टॉप एंड वेरिएंट में। डुअल एयरबैग्स, ABS और ABD दोनों ही कारों में है, सीट बेल्ट रिमाइंडर बजर भी है, इंजन इमोबिलाइजर भी है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी है, एंटी थेफ्ट कंट्रोल वाला, डे एंड नाइट एडजस्टेबल AIRVMC यानी इंटरनल रियर व्यू मिरर्स भी हैं, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, फ्रंट फॉग लैंप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर और वाशर भी प्रोवाइड किया गया है, डोर एजार वार्निंग लैंप भी है, यानी अगर कोई दरवाज़ा खुला रह जाता है तो वहाँ पे आपको MIDP के पास आपको इंडिकेटर बताएगा कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रह गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंशिएशन पैदा करती हैं, एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर दिया गया है महिंद्रा KUV में, वो है ऑटोमेटिक हजार्ड वार्निंग लैंप का। ये एक ऐसा फीचर है जो हर कार मैन्युफैक्चरर को अडॉप्ट करना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या फीचर है कि अगर आप कार को इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाते हो, या आप कार के साथ कोई हादसा हो जाता है, या आप कार को साइड लगा के उसका बोनट ओपन करते हो, तो उन तीनों ही केस में इसके ऑटोमेटिक हजार्ड लैंप्स ऑन हो जाते हैं, यानी कि वो चारों इंडिकेटर फ्रंट और रियर के ब्लिंक करने लगते हैं, आप अगर ऑन करना उनको भूल भी जाते हो तो भी। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो प्रोवाइड किया गया है कि जो ड्राइवर साइड की फ्लोर मैट है उसमें एंटी स्लिप क्लिप्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं जो कि फ्लोर मैट ड्राइवर साइड की ब्रेक्स में या क्लच में या एक्सीलेटर में फंस गई थी, जिसके कारण वो हादसा हो गया। तो ये बचाने के लिए इसमें ये दो सेफ्टी फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोवाइड किए गए हैं। तीसरा एक फीचर है, वो है चाइल्ड सीट को माउंट करने का, वो नॉर्मली कई गाड़ियों में होता है, बट अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो जो इस लेवल पे जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं वो अपने बच्चों को अपनी गोद में ही लेके बैठते हैं, तो इसलिए मैं इस तीसरे फीचर की बात नहीं कर रहा हूं। टियागो के पास एक ऐसा फीचर है जो KUV के पास नहीं है, वो है CSC का, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल का, यानी कि कार को अगर आप हाई स्पीड पर टर्न करते हो उस समय इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, अगर आप टर्न करते समय ब्रेक लगाते हो तो भी इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो कंक्लूजन ये निकलता है इस लेवल पे कि ऑटो हैजार्ड वार्निंग का एक अच्छा फीचर है जो KUV के पास है और टियागो के पास नहीं है। ओवरऑल जो ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट और म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे काफ़ी कॉमन है जो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है, जो आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए वो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है। रूफ एंटीना है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है, कॉलिंग कंट्रोल है, ऑक्सिलरी इन अवेलेबल है, USB अवेलेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है, चार डोर स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में है, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वॉइस कमांड एंड नेविगेशन वो भी दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है। इसके अलावा KUV के पास जो बेटर है वो है इसका 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और इसके अलावा इसमें दो ट्विटर भी प्रोवाइड किए गए हैं। टियागो की बात करें तो इसमें चार ट्विटर प्रोवाइड किए गए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन की तरफ से है और स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। तो ऑडियो एक्सपीरियंस टियागो में बेटर है, लेकिन जो इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन का एक्सपीरियंस है और जो यूज़र इंटरफेस है वो मुझे KUV में ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हैं और आपकी डे टू डे लाइफ में आपके काम आते हैं। सेंटर डोर लॉकिंग विद रिमोट वो अवेलेबल है, पावर विंडो फ्रंट और रियर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स अवेलेबल हैं, रिमोट फ्यूल लिड और टेलगेट ओपनर है, यानी कि आप बूट का ढक्कन और
फ्यूल वाला जो ढक्कन होता है वो आप ड्राइवर सीट के नीचे जो लीवर होते हैं वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट्स हैं, ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर अवेलेबल है, पावर और टिल्ट स्टीयरिंग भी अवेलेबल है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ये गियर शिफ्ट असिस्ट भी इसे कहा जाता है कि आपको गाड़ी गाइड करती है कि अब आप ऊपर का गियर डालो या आप गियर डाउन शिफ्ट कर लो। इसके अलावा आप कौन से गियर में चल रहे हो वो भी आपको MID पर डिस्प्ले करता है। पावर और टिल्ट स्टीयरिंग अवेलेबल है, ड्यूअल ट्रिप मीटर अवेलेबल है, जो भी तेल है वो आपको कितने किलोमीटर और गाड़ी को चला सकता है यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी फीचर अवेलेबल है इसके MID पे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दोनों ही गाड़ियाँ बताएंगी, टैकोमीटर अवेलेबल है, फ्यूल और टेम्परेचर गेज अवेलेबल है, टर्न इंडिकेटर ऑन आउटर रियर व्यू मिरर्स भी अवेलेबल है, हाईली माउंटेड स्टॉप लैंप है जो टियागो में है वो काफ़ी लॉन्ग सी LED है, और यहाँ पे KUV100 नेक्स्ट में छोटी सी लाइट है पर दोनों में ही अवेलेबल है। फ्लिप और फोल्ड रियर सीट अवेलेबल है, बूट लैंप अवेलेबल है, फॉलो मी हेड लैंप्स अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ फीचर हैं जो KUV के पास एक्स्ट्रा हैं, टियागो में नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल, DRL यानी डे टाइम रनिंग लाइट्स, और इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVM यानी कि इसके आउटर रियर व्यू मिरर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जब आप कार को बंद करते हो। तो पावर और इको मोड अवेलेबल है डीजल में, आर्म रेस्ट अवेलेबल है फ्रंट और रियर दोनों ही सीट पे, रियर सीट एडजस्टेबल जो है वो हेड रेस्ट अवेलेबल है आपको KUV में, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो टियागो में अवेलेबल नहीं है। टियागो में सिटी और इको मोड अवेलेबल है पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के केस में, जबकि ये KUV में सिर्फ पावर और इको मोड अवेलेबल है डीजल इंजन के केस में। इसके अलावा टियागो में हमें DRLs नहीं मिलती हैं, टियागो के आउटर रियर व्यू मिरर्स अपने आप बंद नहीं होते हैं, इसमें हमें किसी तरह का आर्म रेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो KUV के पास कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आते हैं जो टियागो के पास नहीं है, पर अगर बात करें बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी फीचर्स की तो वो तो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं वो फीचर्स जिनके बेस पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हो कि हाँ वाकई मुझे ये फीचर चाहिए तो मुझे इस गाड़ी को ही लेना होगा। तो यहाँ पे हमें KUV100 NXT के केस में हमें DRLs मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं, ऑटोमेटिक हजार्ड वार्निंग लाइट मिलती है, ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन मिलता है, ज़्यादा चौड़ाई मिलती है और गाड़ी की ऊंचाई मिलती है, SUV वाली फीलिंग आती है, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है और 4 स्पीकर + 2 ट्विटर्स हैं। अगर हम बात करते हैं टियागो की तो यहाँ पे हरमन इंफोटेनमेंट यूनिट है, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टाइलिश लुक है, सुपर स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी है, प्रैक्टिकली मोर फ्यूल एफिशिएंट है जो मुझे लगी। KUV के पास जो है वो ज़्यादा फीचर हैं बट टियागो भी बुरी नहीं है, और अगर मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे टियागो के लुक्स पसंद हैं बट मुझे KUV के डीजल इंजन की परफॉर्मेंस पसंद है। काश कि ये दोनों एक गाड़ी में हो सकते। अब यहाँ पे इस लड़ाई का अंत करते हैं, इनके दो दो हाथ हो चुके हैं दोनों ही गाड़ियों की। अगर पेट्रोल में K8 वेरिएंट जो है KUV100 NXT का वो हमें 657,000 का मिलता है और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर आप 6 सीटर ऑप्शन पे जाते हो तो, और वहीं पे हमें टियागो 518,000 रुपये में मिलती है अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो, और इसमें डिफरेंस निकलता है तकरीबन 1,40,000 रुपये का। तो KUV100 NXT का K8 वेरिएंट का डीजल वर्जन आता है 7,50,000 रुपये में और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे 6 सीटर वेरिएंट के लिए। वहीं पर टियागो का डीजल वेरिएंट है वो आता है 6,00,000 रुपये में और इसमें AMT का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब ये डिफरेंस निकलता है डीजल के केस में 1,50,000 रुपये का और पेट्रोल के केस में 1,40,000 रुपये का। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग डीजल कार कंसीडर कर रहे हो तो आप लोग KUV पे जाओ क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस डीजल इंजन में ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग पेट्रोल कार कंसीडर कर रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी शायद आप किसी डिसीजन पर पहुंच सको, क्योंकि हर जरूरी फीचर दोनों ही गाड़ियों में है। कुछ फीचर हैं जो KUV के पास एक्स्ट्रा हैं, उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग का डिफरेंस है। मेरी ओपिनियन में दोनों ही गाड़ियां अपने अपने प्राइस को अच्छी तरह से जस्टिफाई करती हैं, सिर्फ आप लोगों को अपनी ज़रूरतों को अंडरस्टैंड करना है और एक डिसीजन पर पहुँचना है कि ये सारी की सारी कंपेरिजन इनके प्रोडक्ट ब्राउचर के बेस पे होती है और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो मुझे इन गाड़ियों को थोड़ा बहुत यूज़ करने से मिले होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना कोई भी फैसला तभी लें जब तक आपने खुद उस गाड़ी की पूरी तरह से टेस्ट ड्राइव ना कर ली हो, उसके बारे में सारी छानबीन ना कर ली हो।